अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री ने आज कुछ समय पहले हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलकर आश्वासन दिया और उनको मुआवजे व सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। दरअसल कुछ समय पहले सुल्तानपुर निवासी ब्राह्मण परिवार के डॉक्टर घनश्याम तिवारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला ने आज 10 बजे मृतक के परिवार से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील भराला ने पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी व उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। देखिए, और अज्ञात में कौन है ये लोग जो अज्ञात बताए गए? नहीं, जो जो एक आदमी अरेस्ट किया गया उसने नहीं बताया नाम, जो अज्ञात थे लोग। हाँ, तो इसमें करिए कर 3 दिन के अंदर करो गिरफ्तारी, क्योंकि गुस्सा पूरा भड़क रहा है और आपकी छवि मजबूत उसमें है, तो आप दिखाइए इस पर अपना ऐसे वर्मा जी, जिस प्रकार से लखनऊ में आप DCP के रूप में काम देखते थे, यहाँ भी ऐसे देखिए। दबंगों से डरिए मत बिल्कुल भी, जरा सा। हाँ, इन दबंगों की दबंगे ही निकालिए पूरी तरीके से, जिस प्रकार से इन्होंने ये किया, इतना जघन हत्याकांड किया है, उसको ड्रिल से मतलब सीने में ड्रिल कर दिया, मुंह में ड्रिल कर दिया, पैरों में ड्रिल कर दिया, ये तो क्रूरता की हद सारी पार हो गई इसमें। तो जो भी है इसमें पूरा करिए आप, और कहीं दिक्कत हो तो ऊपर भी बात हम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अभी शांत रही है, मुझे नहीं सर पता था कितना मुझे उनको लगा होगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा, जस्ट डेढ़ में एक पैर कदम चढ़ा कि गिर गए और पूरी तरह यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक वो रखते रहे। अजय नारायण सिंह ने मुझे मार दिया, मुझे पानी पिला, तो पानी मैंने सोचा इतनी इंजरी पानी पिलाऊंगी तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। मैंने पानी नहीं पिलाया, आनंद फानन 10-20 मिनट भी नहीं लगे। मेरे मोहल्ले वाले इतने कोऑपरेटिव थे सर कि गाड़ी की तुरंत हम जिला हॉस्पिटल इमरजेंसी उनको लेके पहुँचे, और रास्ते पर यही कहते गए कि इन्होंने मुझे मार दिया, धोखे से मार दिया। हाथ तो सर भगवान ने करे इसी तरीके से, जैसे मैंने देखी कोई पकड़ी ना देखे, हाथ धुलते समझ लीजिए कि ये उंगली उसके आगे फिर लच्छी खा के पकता है कि 6 फीट की, ऐसे करके उसके बाद जो है पैर तो समझ लीजिए यहाँ वहाँ, मतलब अगर आप डेड बॉडी देखी हो तो आप कहते वैसे जैसे कोई नहीं जैसा जिनसे उस कमीने ने किया था, उसका नाश हो जाए जैसे मेरे ने सर्वनाश किया है। उसके बाद जैसे मैंने उनको देखा है हॉस्पिटल में गए, 5-10 मिनट सीढ़ी हुई आता कि बॉडी एकदम शिविंग कर रही थी, हिल रही थी, और मुझे देखने में लग रहा था ये ठीक हो जाएंगे। लास्ट टाइम तक आसानी थी, मुझे समझ में नहीं आया, इंजेक्शन लगा, मैंने सोचा कि आराम हो गया होगा और वो साइलेंट हो गया, तो मुझे जब बॉडी वॉडी टच करके देगी तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मोहन लोट के भाभी जा रहे थे, चलिए घबरा जाएंगे, उनकी ब्लीडिंग बहुत है। फिर 5 मिनट बाद सब जाने लगे तो मुझसे किसी बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने फिर देखा तो आते हाथ पर ठंडा, फिर भी मुझे नीचे बोलने लगे कि नहीं डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर कहा अब क्या करेंगे भाभी जी, अब तो वो नहीं है। उसके बाद जो है जो कंडीशन है सर हम नहीं जानते, अच्छे खासे मेरे पति का आधे 1.5 घंटे उसको कल उन्होंने क्या हाल किया कि। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।